बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कुद्दूस, आप देख रहे हैं विलेज फूड एक्सपर्ट्स यूट्यूब चैनल। खुश रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, अपने आसपास सफाई का खास ख्याल रखें। चिकन हलीम बना रहे हैं बहुत ही मज़े की, उसके लिए हमने सामान ले लिए। एक मग हमने दाल चने, दाल मूंगी और मसूर, दाल माश। एक मग हमने लिया है चावल, चावल आप कोई भी ले लें, हमने टोटा चावल ले लिए। तो ये पांच चीज़ें, एक एक मग लिया हमने, तो इसको मिक्स कर लेंगे, इसको भिगो के रख देंगे अभी। और हमने मसाले में सूखा धनिया है, ज़ीरा है, दालचीनी है, लौंग है, काली मिर्च है, सब्ज़ इलायची है, इसका हमने पाउडर बनाना है, अभी पाउडर बना लेंगे। और लहसुन अदरक का पेस्ट है, टमाटर लिया है, प्याज हमने ज़्यादा इसलिए लिया है, इसका मसाला भी बनना है। और इसको फ्राई करके ऊपर जो डालते हैं वो भी साथ थोड़ा सा रख लेंगे। चिकन हमने ले लिया है, चिकन हमने मिक्स लिया है, क्योंकि हड्डी वाला जो चिकन है ये ज़रा इसका टेस्ट ज़्यादा होता है। दो चूल्हे हमने इसलिए आज लिए हैं क्योंकि एक में मसाला बनेगा और एक में दालें वगैरह सारी बॉयल करेंगे, तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगना है, इसलिए दो चूल्हों का इस्तेमाल कर दालें जितनी हमारी भिगो के रख देंगे। अच्छी तरह हमने रोड वगैरह इसके निकाल लिए थे। आग जल गई हमारी, ये गर्म होने देंगे, उसको हमने भिगो के रख लिया था दो घंटे के लिए। अब इसको बॉयल कर लेंगे अच्छी तरह धो के। मसाले घी गर्म हो गया, प्याज ऐड कर देंगे, प्याज को थोड़ा ब्राउन होने देंगे। टमाटर हमने लिए थे दो अदद, ये ऐड कर देंगे, का पेस्ट ये ऐड कर देंगे, अभी पकाएंगे। माशाल्लाह जी, प्याज हमारा गल गया है और टमाटर भी, इसमें चिकन ऐड कर देंगे, हड्डी वाला चिकन लिया, थोड़ा इसका टेस्ट ज़रा अच्छा होता है। वैसे तो आप बॉलर से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हड्डी वाले का थोड़ा टेस्ट ज़्यादा होता है, इसलिए वो अच्छी तरह ऐसे पकाएंगे अभी थोड़ी देर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह काफ़ी अच्छी है, इसको भून लिया है मुर्गी को, चिकन हमारा गल गया है, अभी मज़ीद इसको गलाएंगे। ये हमने गर्म मसाले जो लिए थे और हल्दी है, ये हलीम का जो मसाला बाज़ार से मिलता है वो वाला है, सारा ऐड कर देंगे इसके अंदर। ये मसाले हमारे को इतने ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल रखे हैं। सुरख मिर्च ऐड कर देंगे, अभी मज़ीद इसको 10 से 15 मिनट और पकाएंगे ऐसे, उसके बाद इसमें पानी ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसके अंदर हमने एक अदद टमाटर, ये नींबू ऐड करना है। आप टाटरी चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो टाटरी हमने नहीं ली क्योंकि जो प्रोफेशनल तैयार करते हैं वो टाटरी का ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो हम नींबू इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे, और इसको मज़ीद अच्छी तरह पकने देंगे। अभी नमक पहले हमने ऐड नहीं किया था, एक टेबल स्पून हमने अभी नमक ऐड कर दिया। दाल हमारी गल गई होगी, सीटी हमने उतार दी है, इसको अभी चेक कर लेते हैं, इसको ग्राइंड करेंगे दाल को। माशाल्लाह जी, दाल हमारी गल गई, दाल चावल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चिकन को निकाल लेंगे ताकि इसके चिकन को कूट लेंगे, इसका चिकन जो है वो अलग हो जाएगा, हड्डियाँ अलग हो जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दालें हमारी और चावल जो है उनको हमने ग्राइंड कर लिया था अच्छी तरह, इसको इस मसाले में डाल देंगे। चिकन हमने निकाल लिया है, इसको अभी बाद में ऐड करेंगे। माशाल्लाह जी, इतनी मज़े की हमारी लीम, इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे।
1 kg हमने दालें ली हैं और बराबर का जो उसका होता है एक एक मग हमने सारी दालें और चावल ऐड किए हैं। 1 kg हमारा चिकन था तो माशाल्लाह कितनी हमारी लीम तैयार हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज ब्राउन करेंगे और ज़ीरा हमने लिया, इसका तड़का लगाएंगे, बहुत ही मज़ेदार लीम हमारी तैयार है माशाल्लाह। माशाल्लाह देखें कितनी रेशेदार हलीम तैयार हुई है। लोग ढूंढते हैं ऐसी दुकानों में हलीम, नहीं मिलेगी आपको जितनी मज़े की हमारी लीम तैयार हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज ब्राउन करेंगे, प्याज हमने लिया, प्याज को ब्राउन करना है अच्छी तरह। जो प्याज ब्राउन होता है हलीम के ऊपर ऐड होता है, ये थोड़ा सा ज़ीरा ऐड कर देंगे। माशाल्लाह जी प्याज हमारा ब्राउन हो गया, इसका लगाएंगे तड़का। वाह जी वाह, धनिया और सब्ज़ मिर्च, माशाल्लाह जी बहुत ही मज़े की बनी है। पहली दफ़ा ये रेसिपी बनाई है, डर ही लग रहा था कि पता नहीं कैसी बनेगी, माशाल्लाह बहुत अच्छी बन गई है। पहली दफ़ा कोई भी चीज़ वैसे भी बनाए तो अच्छी बनती है, दूसरी दफ़ा बेशक थोड़ी बहुत ख़राब हो जाए। लें जी माशाल्लाह, अब इसको करेंगे टेस्ट। हलीम और वाइट चावल बहुत ही मज़े के, बहुत ही टेस्टी बने, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी बहुत ही मज़े की बनती है, घर में आप बहुत आराम से बहुत आसानी से बना सकते हैं। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको हमारी रेसिपी। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने दिमाग में रखे, खुश रहें, इस तरह मुस्कुराते रहें, अपने आस पास का ख्याल रखें। हमें इजाज़त दीजिए, जजाकल्ला, अल्लाह हाफ़िज़।